जय श्री कृष्णा। अपने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको प्रसूति और दक्ष की जो 16 कन्याएं थी उनके बारे में बताया था, जिसमें मैंने उनको एक बताया था, कोई एक कन्या जो सती थी उनका विवाह शंकर भगवान से हुआ था। दक्ष जो थे उनकी एक पुत्री दिति भी थी, और दिति और का विवाह कश्यप जी से हुआ था। दिति और कश्यप जी के हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दो पुत्र हुए थे। तो आज मैं आपको हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के बारे में बताऊंगी। इसकी कहानी बताने से पहले मुझे जो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष उनके पूर्व जन्म के बारे में बताना होगा आपको। तो एक बार की बात है कि सनकादि ऋषि, ये चार ऋषि थे, इन चार ऋषि का नाम था सनक, सनंदन, सनकादि और सनत कुमार। ये चार ऋषि जो थे ये वैकुंठ धाम में विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तो वहाँ पर उनके द्वारपाल, विष्णु भगवान के जो द्वारपाल थे जय और विजय, वो उनको पहचान नहीं पाते कि ये ऋषि हैं, तो उनको वो अंदर जाने से रोकते हैं। तो सनकादि ऋषि इस चीज़ से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो जय और विजय को शाप देते हैं कि वो नीचे के लोकों में जाकर गिरे और वो राक्षस योनि को में पैदा हों। तो उस समय जो वहाँ पर जब उनके शाप से जो जय और विजय थे वो जब नीचे के लोकों में गिरने लगे, उस समय वहाँ पर जो ऋषि मौजूद थे उनको उन जय और विजय पर तरस आ गया और उन्होंने कहा, अच्छा तुम तीन जन्म के बाद वापस जय और विजय के रूप में ही वैकुंठ धाम वापस आ जाओगे। तो तीन जन्म जो जय और विजय ने असुर योनि में लिए थे, उसमें से पहले जन्म के अंदर वो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने थे, दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बने थे, और तीसरे जन्म में वो शिशुपाल और दंतवत्र बने थे। तो जो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष थे, वो उन्होंने हिरण्यकश्यपु को जो नरसिंह अवतार भगवान का था, उन्होंने उस अवतार में हिरण्यकश्यपु को मारा था। हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह अवतार में मारा था, और रावण और कुंभकर्ण को हम सब जानते हैं राम अवतार में मारा था, और शिशुपाल और दंतवत्र को भगवान ने कृष्ण अवतार में मारा था। तो आज मैं आपको हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष के बारे में बता रही हूँ। तो इसकी एक छोटी सी कहानी है कि हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की जन्म जो हुआ था, जब दिति ने उनको जन्म दिया था, वो जन्म कैसे हुआ था मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। एक बार की बात है कि जो कश्यप थे, जो दिति के पति कश्यप जी थे, वो कश्यप जी ध्यान मग्न बैठे थे। उस समय दिति उनके पास आती है और कहती है उसको, उनके साथ मतलब वो विहार करने की इच्छा प्रकट करती है। तो कश्यप जी उसको कहते हैं कि ये समय सायंकाल का समय है और इस समय शंकर भगवान जो हैं वो अपने भूत गणों के साथ आकाश में विचरा करते हैं, और शंकर भगवान के तीन नेत्र हैं, वो अपने तीनों नेत्रों से सबको देखते रहते हैं, तो ये समय विहार करने के लिए उचित नहीं है। तो उस समय दिति उनसे बहुत ज़्यादा जिद करती है, तो इसलिए कश्यप जी और दिति फिर विहार करते हैं। तो उसके बाद बाद में दिति को खुद बहुत बाद में उसको बुरा लगता है कि मतलब मैंने इस चीज़ के लिए जिद करी, इस चीज़ के लिए वो कश्यप जी से माफ़ी मांगती है। मगर कश्यप जी उसको कहते हैं कि तुमने ये जो पाप करा है, इस पाप की वजह से तुम्हारे जो गर्भ से जो पुत्र होंगे वो अमंगल पुत्र होंगे। तो वही जो पुत्र हुए थे उनके शाप, कश्यप जी के ही शाप से जो उत्पन्न हुए थे, वो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष हुए थे। जब दिति को पता चलता है कि इस तरीके से मतलब मेरे पुत्र अब असुर उत्पन्न होंगे, तो और फिर साथ में कश्यप जी उसको ये भी कहते हैं कि जो तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होंगे उनको भगवान अवतार लेकर उनका वध करेंगे, तो दिति को ये लगने लगता है कि मेरे पुत्रों को भगवान उनका वध करेंगे, तो वैसे तो वो प्रसन्न होते कि भगवान के हाथ मेरे पुत्र मारे जाएंगे, मगर फिर भी माँ थी वो, तो इसलिए अपने पुत्रों के लिए वो भयभीत भी थी इस चीज़ के लेकर। तो उसने अपने दोनों पुत्रों को मतलब अपने उस गर्भ को उसने 100 वर्ष तक अपने अंदर ही रखा। तो कहा जाता है कि उस समय उनके जो गर्भ था उसमें भी बहुत तेज प्रकट होने लगा था, और वो इतना ज़्यादा तेज था तो कि उस तेज से जो सूर्य और इंद्रादि लोकपाल जो हैं वो भी उससे प्रभावित होने लगे थे। तो उस समय सूर्य और जो इंद्रादि लोकपाल थे वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये किस प्रकार का तेज है जो हमको प्रभावित कर रहा है। तो ब्रह्मा जी फिर उनको बताते हैं कि ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष इस तरीके से जन्म लेने वाले हैं, जो पहले जन्म में जय और विजय थे।
साथ में कश्यप जी दित्य को ये भी बताते हैं कि तुम्हारे जो पुत्र हैं उनको तो भगवान उनका वध करेंगे, मगर तुम इन दोनों पुत्रों में से जो एक पुत्र होगा उसका जो पुत्र होगा, मतलब जो हिरण्यकश्यप का जो पुत्र प्रहलाद है उसके बारे में वो पहले से ही दित्य को बताते हैं कि तुम्हारा जो बेटे का जो बेटा होगा, जो पुत्र का जो पुत्र होगा वो भगवान का बहुत भक्त होगा। तो दित्य इस चीज़ से प्रसन्न भी होती है कि मेरा जो पोता होगा वो भगवान का भक्त होगा। और ये तो हुई हिरण्यकश्यप की बात। और जो हिरण्याक्ष था, जो मैंने आपको एक अपने एपिसोड में वराह अवतार का पूरा डिस्क्राइब करा था वराह अवतार में, तो आज मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रही हूँ कि वराह अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष का किस प्रकार से वध करा था। तो जब भगवान जब हमारी पृथ्वी रसातल में गई हुई थी, तो भगवान जो थे वो अपनी दाढ़ों की नोक पर वराह अवतार के रूप के अंदर अपनी दाढ़ों के उस पर पृथ्वी को जल से लेकर आ रहे थे। उन्होंने जल के ऊपर आके उनको स्थापित करना था पृथ्वी को। तो उस समय जल के अंदर उनको वहाँ पर हिरण्याक्ष मिला था। हिरण्याक्ष भगवान का वराह भगवान का युद्ध हुआ था और उसके अंदर जो हिरण्याक्ष था उसका वध हो गया था। अब रही हिरण्यकश्यप की बात, तो हिरण्यकश्यप की स्टोरी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बस थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि हिरण्यकश्यप को जो प्रहलाद बेटा था, मैंने आपको पहले ही बताया था प्रहलाद का जो प्रहलाद था, प्रहलाद के जो पुत्र हुआ था वो विरोचन था, विरोचन के पुत्र बलि हुआ था और बलि का पुत्र बाणासुर हुआ था। क्योंकि ये सारे नाम हम लोग ज़्यादातर सुनते हैं, प्रहलाद का, विरोचन का, बलि का। ये बलि वही है जिनके वामन अवतार ने भगवान ने उनके सिर पर पैर रखते हुए तीनों जो लोग थे वो नापे थे। और बाणासुर जो था वो उनका जो बेटा था, बलि का बेटा बाणासुर जो था वो भगवान शंकर का बहुत बड़ा उपासक था। और साथ में ही जो हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी वो कयाधु थी। और इनके जो एक प्रहलाद बताया मैंने, इनके एक इस प्रहलाद के चार भाई थे, चार में से एक भाई था अनुहाद। और अनुहाद जो था उसके जो पुत्र था वो महिषासुर था। हमने महिषासुर का नाम भी काफ़ी बार सुना है। तो महिषासुर जो था वो हिरण्यकश्यप के पुत्र का पुत्र था, एक बात ये। और एक जो प्रहलाद था उनकी एक बहन सिंहिका भी थी, ये भी मैं आपको बताया था। सिंहिका के जो विवाह हुआ था विप्रचित्ति से हुआ था। और इनका ही एक पुत्र था राहु। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उनके भाई हिरण्याक्ष को भगवान ने मार डाला है, तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वह मंदराचल की घाटियों में जाकर तपस्या करने लगा। कहते हैं उस समय हिरण्यकश्यप ने इतनी घोर तपस्या करी कि उसके तेज से स्वर्ग तक आँख की लपटें पहुँचने लगी थी। और जितने भी देवता, इंद्र देवता और बाकी देवता थे, वो सब उसके आँख की लपटों से जलने लगे थे। तो वो सारे के सारे देवता उस समय भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हिरण्यकश्यप की तपस्या को रुकवाएं। तो ब्रह्मा जी बाकी सब देवताओं के साथ हिरण्यकश्यप के पास जाते हैं और उसको उसके आश्रम में जाते हैं और उससे कहते हैं कि जैसे तपस्या वह कर रहा है वैसे तपस्या कर, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वैसे तपस्या नहीं कर सकते। और ब्रह्मा जी कहते हैं, उससे प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। तब हिरण्यकश्यप ने पहले ब्रह्मा जी की स्तुति करी और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नागादि, किसी से भी उसकी मृत्यु ना हो सके। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी पर या आकाश में, कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो सके। युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एकमात्र सम्राट बनूं। इस प्रकार ब्रह्मा जी से वह वर मांगकर बहुत प्रसन्न हो गया। हिरण्यकश्यप का शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव और दानव उसकी पूजा भी किया करते थे। उसके बाद फिर एक समय के बाद जब हिरण्यकश्यप के प्रहलाद पुत्र उत्पन्न हुआ, तो प्रहलाद जो था वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, नारायण का नाम बहुत लेते थे वो प्रहलाद जो थे। और ये इसके पीछे भी एक कहानी है कि एक बार वास्तव में यह जो शिक्षा थी, जो प्रहलाद को नारायण का नाम लेने की जो शिक्षा थी, ये भी स्वयं नारद जी ने ही उनको दी थी।
यह उस समय की बात है जब हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु जो थी वो गर्भवती थी, मतलब प्रहलाद उस समय जन्म लेने वाले थे। तो उस समय हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था और इंद्रादि देवता उससे बहुत परेशान थे। तो इंद्र भगवान जो थे, इंद्र देवता जो थे, वो कयाधु को आकर हर के लेकर जाने लगे। तो उस समय नारद जी ने आकर उनको रोका कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इंद्र ने कहा कि मैं कयाधु को जो ले जा रहा हूँ, मैं इसके गर्भ को नष्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं कयाधु को छोड़ दूंगा। तो उस समय नारद जी ने इंद्र देवता को बताया कि जो इसके गर्भ में है वो भी नारायण भगवान का ही भक्त है, तो तुम इस प्रकार से मत करो। तो उस समय फिर इंद्र ने उनको कयाधु को छोड़ दिया था। जब इंद्र ने कयाधु को छोड़ा तो कयाधु को फिर नारद जी अपने आश्रम में ले गए थे और नारद जी ने अपने आश्रम में जाकर कयाधु को भगवत धर्म के बारे में बताया। और उनका जो पर्पस था, जो वो बताना चाह रहे थे, वास्तव में वो जो उनके गर्भ में प्रहलाद थे उनको ही वो भगवत धर्म बताना चाहते थे। एक बार हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को अपने राजभवन में बुलाता है और उसको बहुत ज़्यादा डांटता डपटता है और उससे कहता है कि तुम श्री हरि का नाम क्यों जपते हो। तो उस समय प्रहलाद हिरण्यकश्यपु को ही भगवान का नाम जपने के बारे में बोलता है और कहता है कि आप भी भगवान का नाम जपा करिए। तो इससे हिरण्यकश्यपु को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और वो बोलते हैं कि रे मंदबुद्धि, तेरे बकने से भी की भी अब हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि तू अब मरना चाहता है। तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखो तो वह ईश्वर है कहाँ। अच्छा, क्या कहा, वह सर्वत्र है, तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता। अच्छा, तुझे इस खंभे में भी दिखता है, मैं अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ, देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि तेरी कैसे रक्षा करता है। यह कहकर हिरण्यकश्यपु अपने हाथ में खड़ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंभे पर घूंसा मारा। उसी समय उस खंभे से एक भयानक आवाज आई, ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह आवाज जब लोकपालों के लोक में पहुंची तब ब्रह्मादि को ऐसा लगा मानो उनके लोकों पर प्रलय आ गई हो। हिरण्यकश्यपु घबराया हुआ इधर उधर देख रहा था, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंभे में से एक बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप ना तो पूरा सिंह का था ना मनुष्य का। जिस समय हिरण्यकश्यपु आवाज करने वाले को इधर उधर खोज रहा था, उसी समय खंभे के भीतर से निकलते हुए एक अद्भुत प्राणी को उसने देखा। जिस समय हिरण्यकश्यपु उस अद्भुत प्राणी को जानने की कोशिश कर रहा था, उसी समय नरसिंह भगवान उसके सामने खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यंत भयानक था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जंभाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ी बड़ी विकराल थी। तलवार की तरह लप लपाती हुई जीभ थी। टेढ़ी भौंहें से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उनकी भयानकता बहुत बढ़ रही थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी। छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफ़ेद रोए सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थीं जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम कर रहे थे। उस समय हिरण्यकश्यपु सोचने लगा, ना हो महामावी विष्णु ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रच रहा है। यह कहता हुआ हिरण्यकश्यपु हाथ में गदा लेकर भगवान पर टूट पड़ा। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं वैसे ही भगवान ने उसे पकड़ लिया। उस समय सबके सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। जब हिरण्यकश्यपु भगवान के हाथ से छूटकर उन पर फिर से आक्रमण करने को तलवार लेकर आगे आया, तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर में प्रचंड और भयंकर अट्ठास किया,
जिससे हिरण्यकश्यपु की आंखें बंद हो गईं। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपने जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ सांप को चीर डालता है। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जा सकता था। वे अपनी लपलपाती जीभ से मुंह के कोने चाट रहे थे। खून की छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो गए थे। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकश्यपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव भगवान पर प्रहार करने आगे आए, परंतु भगवान ने उन सबको मार डाला। उस समय नरसिंह भगवान के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर भितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके सांस के धक्कों से समुद्र शुद्ध हो गए, स्वर्ग डगमगाने लगे। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश और दिशाओं का दिखना बंद हो गया। उस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता था, फिर भी उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर बैठ गए। जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि हिरण्यकश्यपु मारा गया है, तब वे बार बार पुष्प की वर्षा करने लगी। आकाश में विमानों से आए देवताओं की भीड़ लग गई। ढोल नगाड़े बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। इसी समय ब्रह्मा जी, इंद्र, शंकर जी आदि देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि भगवान की स्तुति करने लगे। इन सभी ने अपने अपने तरीके से भगवान का गुणगान किया, परंतु भगवान का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। स्वयं लक्ष्मी जी ने भी आकर भगवान का यह भयंकर रूप देखा। वो भी भयावश उनके पास न जा पाई। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को उन्हें समझाने के लिए कहा। प्रहलाद ने आगे बढ़कर भगवान की स्तुति की व कहा, प्रभु आप हमारे प्रिय हैं, आपकी आज्ञा के बिना माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषधि रोग नहीं मिटा सकती। जन्म रहित प्रभु, आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन सा पुरुष है जो इस संसार चक्र से पार कर जाए। उस समय बारंबार भगवान की लीलाओं का गुणगान करने पर भगवान प्रहलाद पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में उठा लिया। प्रहलाद जी ने भगवान की कई प्रकार से प्रशंसा करी और उनकी स्तुति करी। नरसिंह भगवान का क्रोध अब शांत हो गया था और वे बड़े प्रेम व प्रसन्नता से बोले, प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे वर मांग लो। फिर प्रहलाद ने यह जानते हुए कि वरदान मांगना प्रेम भक्ति में विघ्न है, इसलिए यह वर मांगा कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज ही अंकुरित ना हो, और साथ ही कहा कि मेरे पिता हिरण्यकश्यपु अपने सभी दुष्ट दोषों से शुद्ध हो जाएं। तब नरसिंह भगवान ने कहा कि तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसा पुत्र उनको प्राप्त हुआ। मेरे शांत, समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्तजन जहाँ जहाँ निवास करते हैं, वह स्थान चाहे कीकट ही क्यों ना हो पवित्र हो जाता है। नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद यदि तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी मेरे कहने से अधिक नहीं, केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो। तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला कथाएं सुनते रहना। भोगों के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। तुम्हारे द्वारा की गई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा, वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो आज मैंने आपको हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष की कहानी सुनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।